हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं। सो लास्ट वीडियो जो थी वो मेरी वैक्सीन की थी, उसके बाद मैं बहुत बीमार हो गई थी। आज मेरा एक्चुअली थर्ड डे है, लेकिन अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस है, सर में दर्द भी है, और जहाँ इंजेक्शन लगा था वहाँ हाथ में भी दर्द है, और बॉडी बहुत वीक हो रही है। तो अभी भी मेरा ऐसे थोड़ा ढीला ढीला चल रहा है। अभी जो है टाइम हो रहा है 11:30 हो रहे हैं। तो मैं उठी, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, सब कर लिया, अभी मैं नहा ही नहीं हूँ, ऐसी रेस्ट कर रही थी। तो अभी मैं घर पे ही हूँ, बाहर जाने की तो कुछ खास हालत है नहीं, घर पे भी ऐसे कुछ काम करने की हालत नहीं है। तो अभी देखते हैं, पहले नहाऊँगी, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। तो मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है और अब मैं लगा रही हूँ घर में झाड़ू, जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा महीनों बाद लगा रही हूँ। और अभी मैं सोचेगा कि मेरा मुंह टेढ़ा हो गया, मेरे मुंह में टॉफ़ी है, क्योंकि जब से इंजेक्शन लगाया तो मेरा मन बहुत ख़राब रहने लग गया है, अजीब सा रहता है, वॉमिटिंग जैसे आएगी पर आती नहीं है। तो उसके लिए मेरे को टॉफ़ी रखनी पड़ती है मुँह में, रहेगा 2-3 दिन ऐसे। सबको नहीं होती ये दिक्कत, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, तो मुझे ये चीज़ ज़्यादा परेशान कर रही है। तो चलिए झाड़ू लगाते हैं। और ये देखो झाड़ू में झाड़ू नहीं है, पता नहीं कैसे लगती है इससे झाड़ू। और दीदी पापा ने शूज ऐसे कहीं भी फेंक के रख दिया। अब मैं सोच रही हूँ मैं इनको ऐसे ही छोड़ दूँ या बाहर बालकनी में निकाल दूँ। चलो कोई नहीं, ऐसे छोड़ देती हूँ। तो सफाई हो गई है और मैंने शावर भी ले लिया है। अब जो है 1 बजने वाले हैं, खाने का टाइम होने वाला है, तो अभी तो पहले तो लंच ही करना है, बाहर कहीं नहीं जाना मुझे। तो अभी मैं देखती हूँ, आज मेरा मूड थोड़ा सा, मतलब बहुत दिनों से ऐसे घर पे बोर बोर सा हो रहा है, तो थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ कर लो, ऐसे बोरिंग सा दिन ना निकले। तो देखते हैं, दिन में देखती हूँ, मतलब खाना खाने के बाद देखती हूँ कि क्या करना है। खाना डाल रहा है टाइगर? हाँ। क्या बना है? चने की दाल है सर। अच्छा, हाँ मेरा भी डाल दे। डाल रहा हूँ, सबके डाल रहा हूँ। अच्छा ओके, थैंक यू भैया। अब मैं खाना खा रही हूँ, रोटी दाल चावल, उसके बाद मैं देखती हूँ कि कैसे अपना बाकी का दिन निकालना है। सो गाइस, अभी जो है शाम के 4 बज चुके हैं और रीवा जो है कल तरबूज लेके आई थी, और वो तरबूज ऐसा निकला है कि एकदम ही वाइट है अंदर से, बिल्कुल उसमें कलर ही नहीं है। तो मेरा जो है वो ऐसे खाने का मन नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने उसकी जो है बना ली ड्रिंक। ड्रिंक मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए एकदम ही वाइट है ये तरबूज, तो मैंने इसकी ड्रिंक बना ली। इसमें मैंने नींबू, चीनी, काला नमक डाला है और तरबूज काट के डाल लिया, और इसके अलावा आपको ये दिख रहा होगा इसमें, ये मैंने इसमें एक जामुन जो है वो भी काट के डाल लिया। तो अगर आपका कभी ऐसे खाने का मूड ना हो, पीने का मूड हो, तो आप जो है ऐसी ड्रिंक बना के गर्मियों में ठंडा ठंडा पी सकते हैं। अभी जो है बहुत दिनों से ऐसे आ रहा था कि मौसम अच्छा हो जाएगा, बारिश आएगी, तूफान आएगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ नहीं आया है, एकदम ही ऐसी गंदी धूप हो रही है, गंदी गर्मी हो रही है, बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है, और ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी और चिपचिप है, तो बहुत ही इरिटेट करने वाला मौसम हो गया है। और बारिश का तो कोई नामो निशान ही नहीं है, पता नहीं कहाँ आ रही है बारिश, दिल्ली में नहीं आ रही, बाकी हर जगह आ रही है। तो ऐसे मौसम में तो फिर ऐसा लगता है कि बस कुछ ठंडा ठंडा पीते रहो, ऐसे कुछ खाने का भी मन नहीं करता। तो अगर आपको ऐसे कभी लगे तो आप भी ये वाली ड्रिंक ट्राई कर सकते हैं। तो अभी बज गए हैं शाम के 7 और अब हैं हम छत पे, धूप जो है वो जाने का नाम नहीं ले रही है, अभी भी बहुत तेज, मतलब ऑलमोस्ट सनसेट हो ही गया है, लेकिन धूप अभी है ही। जल गया ना?
जल गया टाइगर। ये बच्चा जो पतंग उड़ा रहा है ये रोज लगा रहता है पतंग उड़ाने में और इसकी उड़ती ही नहीं है और आज इसने उड़ा ली। इसमें दिख नहीं रही, अरे वो रही दिख गई। तोड़ लेना अभी, छोटू छोटू है करी पत्ता। नीम वाले प्लांट में बहुत ज्यादा पानी लगता है, एकदम सूख जाता है। नीम वो है भी तो इतना बड़ा और है भी पेड़। टाइगर तो ने अपना पानी का सोर्स चेंज कर लिया। ये नीम का पेड़ हो भी तो इतना बड़ा गया है। गाय हूँ मैं, गाय नीम के पेड़ खाती है। तो तू बोले ऐसे रहा है, मैंने कहा बड़ा हो गया है, तू कह रहा खा लिया कर। अभी तेरे तेरे साथ होने बाकी है। मुझसे ज्यादा अजीब तो तू है। ये देख अब फिर पानी का सोर्स चेंज कर लिया, खेले जा रहा है। एक जगह डिसाइड कर ले। अच्छा वो ज्यादा गर्म है। चल टायर डांस करके दिखाओ। गाइस देखो सनसेट हो रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। यार मुझे ना प्यास लग रही है। तूने मुझे गाय ही समझ रखा है। नहीं मैं इसमें से पीऊंगी ये ब्लू। भरते थी अभी टंकी में से। तू जैसे तू पिलाता था हमें बचपन में बाल्टियों का पानी। भूल गया वो दिन, भूल गया वो दिन। बीस साल पुरानी बात है अंकल जी, पेटू अंकल जी। कुछ कह रहा है, पहले तो ज्यादा था ये, कम गया, सूख गया। पता नहीं सूख गया ये भी हमारे जैसे, एक हफ्ते से। मैं तो कह रही हूँ हमारे जैसे ये भी सूख गया। देखिए कैसे तोड़ू, एकदम छोटे-छोटे हैं। आराम से तोड़ ले प्यार से, वो तेरे से होता नहीं है पर फिर भी थोड़ा सा लगा ले। सबको मेरा प्यार चाहिए। हाँ सबको तेरा प्यार चाहिए, सबको सबका प्यार चाहिए, सब एक दूसरे को प्यार ही करे, प्यार ही करना चाहिए। वही प्यार की ही इस दुनिया को जरूरत है। सबको मेरा प्यार चाहिए। ये देखिए क्यूट सा है छोटू सा। हाँ मेरे जैसा। तूने अपने आप को देखा है लाला जी, मेरे जैसा अंकल जी, अंकल जी लाला जी जैसा छोटा सा है। शट अप। और मोटा सा। ओ प्लीज गप्पू सा। ओ प्लीज बस बहुत है ना तूने। हाँ बहुत है। नहीं और ले ले, और ले ले, और के ले ना, चटनी थोड़ी बन रही है। ले ले नहीं ये ले ले ना यहाँ से। और ये भी टाइगर ने दे दिया सारे प्लांट्स में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पानी, सबका पानी जो यहाँ बह रहा है। गुड जॉब, ग्रेट सक्सेस। थोड़ा सा निकला वेस्ट नहीं हुआ पानी। फ्लाइंग बीस्ट की तरफ से ग्रेट सक्सेस। फ्लाइंग बीस्ट की तरफ से। यस। तू ये डंडा लेके कहाँ जा रहा है, चौकीदारी करने? कहाँ पे? ड्रामे मैं करती हूँ। अच्छा जी वो इसमें से वो देखे सन दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसमें अंधेरा हो रहा है। अबे मेरे से नहीं उठ रही है, तू उठा। फिर से उठ भी नहीं रहा है बॉडी बिल्डर। कुछ नहीं दिख रहा इसमें, काला काला हो रहा है।
काला काला हो रहा है रीवा, तेरे फेस को कुछ हो गया। अब मैं बोल रही थी मुझे ऐसे मत लिया कर, क्यों बुरा ले रही है तू तो। आईलाइनर फैला लिया सारे में, कल से भूल गई थी लगाया हुआ है। यार बोर हो रही थी, हाथ फूल गया ऐसे। और क्यों फेर रही है, जा रहा है। आदत नहीं रही यार। कोई नहीं। सो गाइज मैं नीचे आई और नीचे आके मैंने थोड़ा सा किचन में हेल्प किया। किचन में मैंने क्या किया वो मैं आपको दिखाती हूँ। खाने में जो है इडली सांभर बन रहा था, तो ये रहा सांभर। इसमें मैंने तड़का लगाया है और जो एडिशनल थोड़ा सा सामान है वो डाला है। ये अभी थोड़ा सा बॉयल होगा, जब तक हम खाएंगे तब तक रेडी हो जाएगा। और मेरा इडली खाने का मूड नहीं था तो मैंने जो है थोड़े से ये बना लिए। ये है सिंपलेस्ट तरीके वाले वड़े। गोल गोल वाला तो मुझे आता नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही तेल में कर लेती हूँ। और साथ में ये चटनी भी है, ये मम्मी ने बनाई है तो इसमें मुझे नहीं पता क्या क्या है, बट ये वही नारियल वाली चटनी है। तो काम मेरा हो गया है, अब मैं जो है नहाने जाऊंगी, उसके बाद हम खाना खाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सब साथ शेयर कीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।